जी व्यूअर्स, तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और ज़बरदस्त किस्म की फूड स्ट्रीट कराची ओल्ड सिटी एरिया में। रमज़ान में हमने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स आपको अफ्तारी के दौरान दिखाई, आपने बहुत पसंद की थी और बहुत डिमांड थी उनकी, तो हमने कहा ईद के बाद भी इस ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट पे। क्या नाम है, कहाँ है, क्या मिलता है, कितने का है, सब जानते हैं इसमें, आइए। जगह का नाम बता दें जरा, क्या है ये? रणछोड़ लाइन, रणछोड़ लाइन घोष्ट मार्केट। तकरीबन 55 साल से हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है। 55 साल से लगा हुआ है। हमारे वालिद साहब जो है दिल लगी पान मसाला, दिल लगी से दिल लग जाती है जी, दिल लग जाती है जो खाते हैं सर, मतलब एक साल से लेके 70-80। बड़ी मोटी बटे ये तो किसकी है, भैंस की गाय की? भैंस की। क्या हिसाब दे रहे हो, कितने का था पाया ये? ये पाया 800 का भी है, 1000 का भी है। आप क्या हुआ, पसीना आ गया, मिर्च आ गई? जिस दिन बुखार होता ना उस दिन बुखार उतारने आता हूँ। क्यों? मुँह सही हो जाता है। कितने की प्लेट है लाला? पापड़ी वाली प्लेट 70 रुपए की है, सादी प्लेट 60 रुपए की है। ये है रणछोड़ लाइन की मार्केट गोश्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम, मैं हूँ फहीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त रणछोड़ लाइन कराची में। और आपको आज यहाँ का विजिट कराएंगे, यहाँ की मशहूर जगह जो है वो है ये घड़ियाल बिल्डिंग। तो व्यूअर्स, ये है रणछोड़ लाइन की फूड स्ट्रीट, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिकती हैं वो सब हम आपको दिखाते हैं। अरे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? ठीक ठाक। क्या नाम है बॉस? मोहम्मद काशिफ। काशिफ साहब, क्या क्या बेच रहे हैं जरा कुछ बताएंगे? बेकरी आइटम के हैं, बिस्किट वगैरह। ये पापा कितने का ही है? पापे 80 रुपए के होते हैं। 80 रुपए, कितना एक पाव है ये? 200 ग्राम, 200 ग्राम है। और क्या चीज़ें हैं? ये बाघर खानी क्या हिसाब है? 50 रुपए, 50 रुपए की। और ये क्या है भाई? ये मक्खन, मक्खन। ये कितने का है? 150 रुपए, 150 रुपए ग्राम। ये सब बेकरी, ये घर की बनी हुई है बाजार की? सोना ब्रेड वालों की होती है। ठीक है, तो आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है? टाइमिंग वगैरह दोपहर 2 बजे से रात 1 बजे तक। रात 1 बजे तक। जगह कौन सी जा रही है? रणछोड़ लाइन मेन घंटागढ़ के टावर, रणछोड़ लाइन मेन घंटागढ़ मेन टावर, लखपति होटल टावर करिए। लखपति होटल कहाँ है? लखपति होटल किसी टाइम पे सामने होता था, ये खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, अब शॉप लखपति होटल के नाम से मशहूर है ये एरिया। ठीक है भाई, तो और दिखाते हैं यहाँ पे फूड स्ट्रीट में क्या क्या बिक रहा है। लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी है। ये बर्गर वाला बन, ये कलेजी, कौन सी कलेजी जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या बेच रहे हैं सर आप? ये बीफ की कलेजी है, गाय की। गाय की, क्या हिसाब है? 100 रुपए प्लेट है। 100 रुपए प्लेट है, ये 100 रुपए की प्लेट है। अंदाजन कितनी सेल हो जाती है दिन भर में? बस 5-6 किलो निकलती है रमजान में। सही तो ये बीफ की कलेजी है, वो सामने लखपति होटल की जगह। और ये यहाँ पे बौसिया कोल्ड ड्रिंक एंड टॉनिक सेंटर, मुख्तलिफ शरबत यहाँ पे बिक रहे हैं। ये शरबत की दुकान पे बोतलों में मुख्तलिफ फ्लेवर्स रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? खैरियत से? कौन कौन सी शरबत है? सारी फ्लेवर की लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, क्या कीमत है कम से कम? 90 रुपए का पर ग्लास। 90 रुपए ग्लास, 90 रुपए ग्लास है भाई यहाँ पर। और ये लिस्ट लगी हुई है लेमन लिमका, ऑरेंज लिमका, ये मुख्तलिफ लिमका, पाइन एप्पल है, पीच है, लीची है, ब्लूबेरी है। ये है रणछोड़ लाइन की फूड स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मजीद चीजें। और ये यहाँ पे अंडे भी दस्तियाब है भाई। अस्सलाम वालेकुम, अंडे बेच रहे हैं आप? जी। क्या हिसाब है अंडे आजकल? आजकल ये 250 रुपए दर्जन। 250 रुपए दर्जन। इसमें भी साइज का भी हिसाब किताब होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, मिक्स होते हैं सारे, छोटे बड़े सब मिक्स होते हैं। सब मिक्स होते हैं, बिल्कुल जी। तो इसमें वो चॉइस ये अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस जो चुन चुन के लेके आते हैं हमारे अंडे, अपनी मर्जी से ले सकते हैं 250 रुपए में। बिल्कुल बिल्कुल, 250 रुपए दर्जन है भाई। जी सर, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम रफीक मंसूरी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 55 साल से हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है। 55 साल से लगा हुआ है? जी, हमारे वालिद साहब जो है उन्होंने लगाया था। 55 साल से अंडों का स्टॉल है भाई ये। यहाँ पे छोले मिल रहे हैं। क्या कबूल? जब फोन उजी भाई ने करा तो वो सामान दे के चले गए। ये कार्रवाई फजर में की प्लेट है लाला। पापड़ी वाली प्लेट 70 रुपए की है, सादी प्लेट 60 रुपए की है। और ये यहाँ पे नमक पारे और बालू शाही भी दस्तियाब है। क्या क्या किस तरह से बनता है ये? इसके अंदर बेसन की कोटिंग होती है। देखिए भाई, इसमें बेसन की कोटिंग है और आलू है, मायनीज है, टमाटर है और इसे फ्राई किया गया है और उसके बाद ये इसको इस तरह की शक्ल की ब्रेड को डीप फ्राई करके। जी जी। है कितने का? 30 रुपए का। 30 रुपए का? 30 रुपए का पूरा एक पीस है। पूरा एक पीस है। समोसे कैसा? ये फुल पीस होता है, इसको हाफ कहा जाता है। बड़ा मजेदार होता है। इसको सर कैसे कट को काट? बड़ा मजेदार होता है। क्या खूबी है इनके अंदर? आलू के वो बनाई हुई जैसे घर के अंदर हम सब्जी बनाते हैं ना आलू की, वो बनाते हैं उसके अंदर की ऊपर से पता नहीं मसाले ऐसे जो डालते हैं तो टेस्टी होते हैं। अभी आप ये खरीदने आए? हाँ, मैं एक ये खरीदूंगा, एक रोल खरीदूंगा और एक दो समोसे खरीदूंगा। लेना जरा बोले उनको क्या क्या चीजें ले रहे हैं। ये लेना और एक रोल, दो वाला एक आलू का समोसा। बोलिए कौन भी है? बोलिए कौन भी मिलेगा 5 रुपए का? चलो भाई, कितना डिस्काउंट मिलेगा इनको इसमें? ये 105 रुपीज का होता है, 100 रुपए का देते हैं। 100 रुपए का हो गया, 5 रुपए बनते हैं। 5 रुपए का डिस्काउंट है भाई। सर ये दिल लगी पान मसाला है? दिल लगी पान मसाला? दिल लगी? जी, दिल लगी आती है। जी, दिल लगी आती है। जो खाते हैं सर, मतलब 1 साल से लेके 70-80 साल के हमारे बुजुर्ग वो भी खाते हैं इसको। वो भी खाते हैं, वो भी यूज करते हैं। इसमें कोई नुकसान देती है? क्या क्या चीजें इसमें शामिल है? इसमें खजूर है, खोपड़ा है, सौंफ वगैरह है और अनमोल वगैरह होती है इसमें। कितने का है ये? 20 वाली पैकेट होती है। 100 पैकेट कैसा बनता है भाई? ये पैकेट है 20 रुपए का जी। और ये सब, ये जो पैकेट रखे हैं सब कितने का? ये अंदर क्या छुपा के रखा हुआ है? अंदर सर यही आइटम है जो डिस्प्ले बना हुआ है। क्या डिस्प्ले बनाया हुआ सर? दिखाओ डिस्प्ले निकाल के दिखाओ जरा। सर ये तो नहीं निकाल रहा था, इसको पैक किया हुआ जी। पैक किया भाई जी सर। चलो ठीक है, कहाँ पे खड़े हो अभी? सर अभी तो यहीं है। इलाके का नाम क्या है? नाम बताओ भाई। ये वाला जहाँ भी खड़े है ये घंटाघर। घंटाघर है ये? सुन लिया भाई, दिल लगी यहाँ मिल रही है। किसी को दिल लगाना हो तो यहाँ आ जाइए। देखें दिल का शेप, आगरा ताज में होते। वैसे हमारे पर्सनल जो जगह है वो आगरा ताज है। आगरा ताज वहाँ से यहाँ आते हो? बाबू होटल। बाबू होटल पे जी सर। तो दिल लगी में तो इतनी मक्खियाँ लग गई उनके? अभी लग गई सर, वो तो अभी आ गई ना। आपने मुझे बातों में लगाया। अच्छा, मैंने बातों में लगा दिया तो वरना हम तो इनको हटाते रहते सर। अच्छा, मक्खियों से तुम्हारी दिल लगी नहीं है सर? उनसे भी है। देखिए भाई कितना रश लगा हुआ है, छोटे बड़े जवान हर सब यहाँ पे आए हुए हैं खरीदने के लिए। दिल लगी खरीद रहे हैं। तो ये है रणछोड़ लाइन की गलियाँ, यहाँ मिठाई दस्तियाब है 450 रुपए किलो में। और ये कलेजी भी यहाँ मिल रही है। ये देखें मिठाई, गुलाब जामुन, चमचम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हैं? खरीद क्या हिसाब बेच रहे हो? कौन सी मिठाई भाई? गुलाब जामुन है 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो जी। कितना आ जाता है एक किलो में? एक किलो में ये 60 के करीब आते हैं। ये 60 आ जाएंगी। और ये वाले क्या ले? 20-21 आए। 20 आएंगी। और चमचम क्या हिसाब है? चमचम 450 रुपए। 450 रुपए। टाइमिंग क्या है तुम्हारी? टाइमिंग सुबह 2 से लेकर दोपहर 2 से लेकर रात 2 बजे तक। और ये यहाँ पे कलेजी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन सी कलेजी है? गाय की या भैंस की? भैंस की। भैंस की कलेजी क्या हिसाब है? 100 रुपए प्लेट।
सौ रुपए की प्लेट तो बनाओ, कैसे बनाते हो भाई? उसके साथ रोटी है ना, क्या चीज़ है? डबल रोटी है सर। ये लेके भाई सौ रुपए की प्लेट, कितनी बोटियाँ आई? दस से ग्यारह। दस ग्यारह बोटियाँ आई, अंदाजन कितनी सेल हो जाती है दिन भर में? ये सारा कब से कब तक बैठ दो? आप यहीं से खाते? क्या हुआ, पसीना आ गया, मिर्च आ गई? जिस दिन बुखार होता है ना, उस दिन बुखार उतारने आता हूँ। क्यों? मुंह सही हो जाता है ना। मुंह सही हो जाता है? कब से खा रहे हैं ये? पाँच सात साल हो गए। तो आज आपको बुखार आया हुआ? मुंह खराब था। मुंह खराब था, तो कैसे मुंह खराब हुआ है आपका? ऐसी खामा खाई हो जाता है कभी कभी। अच्छा, खामा खाई हो जाता है। सुन लिया भाई, खामा खाई मुँह खराब हो गया था, इसलिए कलेजी खाने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे काफी ये ठेले लगे हुए फ्रूट के, ये मुख्तलिफ यहाँ पे। गरमा कैसा है भाई जन? सौ रुपए किलो। सौ रुपए किलो गरमा है भाई। सलाम वालेकुम, क्या ले? यार बड़ी मोटी बटे, ये तो किसकी है? भैंस की, गाय की? भैंस की। क्या हिसाब दे रहे हो? चार सौ रुपए किलो। चार सौ रुपये? ये पाया? पाया आठ सौ रुपए का। आठ सौ रुपए बड़ा पाया, भारी पाया भाई। इतना बड़ा तो नहीं है यार, चार किलो का पाया है। चार किलो का पाया? उठाओ उठाओ, तुम उठा के देखो। चार किलो का पाया ये? चार किलो का पाया। और चार पाए लेंगे तो कितने का पड़ेंगे ये बादाम? एक ही रेट होता है, एक ही रेट मुनासिब। बट क्या हिसाब हो जाएगी? चार सौ रुपये हो जाएगी। ये देखो भाई, पाया बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी तेज है ना भाई? आपका नाम क्या है? रही से मत। क्या काम कर रहे हैं ये पाए बना रहे? कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? उम्र गुजर गई। उम्र गुजर गई, एंड आ गया। कितने का था पाया ये? ये पाया आठ सौ का भी है, हजार का भी है। आपको कितना चाहिए? अच्छा, आठ सौ का, हजार का। और ये है मार्केट अंदर से, और यहाँ आगे पाए उबल रहे हैं। और ये मार्केट का एक अंदरूनी मंजर, ये है रणछोड़ लाइन की मार्केट गोश्त की। अब पीछे देखिए क्या सूरत हाल है, ये देखिए इतनी बड़ी कढ़ाई है यहाँ पे। चले आगे बढ़ते हैं और मजीद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं रणछोड़ लाइन की स्ट्रीट पे। पाए बन रहे हैं यहाँ पे, ये उबल रहे हैं पाए आगे। कौन से पाए उबाल रहे हो भाई जान? भैंस के। भैंस के? कितने का पाए? आठ सौ रुपए का। आठ सौ रुपए का एक? आज की सुबह कल की? आज 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 की ताजा माल है। कितने पाए हैं इसके अंदर? इसके अंदर बारह। बारह पाए हैं। तो गर्मियों में लोग पाए खा रहे हैं? हाँ माशाल्लाह सब चलते है भाई। सुन लिया भाई, आपने पाए गर्मियों में भी खा रहे हैं, तो बाहर निकलते हैं यहाँ से, बाहर देखते हैं और मजीद क्या देखने को मिलता है। हमारे साथ रहिए और देखिए रणछोड़ लाइन की फूड स्ट्रीट की सूरत हाल। सब्जियों की दुकानें भी हैं और यहाँ कलेजी कैसे आप दी भाई जान? 160 रुपए पाओ। कलेजी फेफड़े वगैरह सब यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। ये सब्जी की दुकान है और उसके पीछे ग्रोसरी आइटम्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई? खैरियत से? क्या नाम है आपका? अमन नईम। कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान जो। पाकिस्तान जो, तो यहाँ क्या करने आए? सामान लेने हैं। सामान यहाँ से आके खरीदते हैं? क्यों भाई? यहाँ पर सस्ता पड़ता है। ये कौन सी जगह है? रणछोड़ लाइन। रणछोड़ लाइन, तो यहाँ सस्ता मिलता है? पाकिस्तान चौक में महंगा है? पाकिस्तान चौक महंगा है। अच्छा, तो कितना फर्क है कीमतों में? ये चार सौ, आधा पाव लिए गुआर सौ रुपये की। हाँ कितने की? वहाँ पर 130 रुपये, 140 रुपये। चलें, शुक्रिया। आपने यहाँ पे
अस्सलाम वालेकुम भाई, सब्जियों के रेट तो बताएं क्या रेट है आज? सब्जियाँ नॉर्मल है, टमाटर 100 रुपए किलो है, 120 रुपए किलो है, धनिया की गड्डी 10 रुपए की है, मिर्ची 40 रुपए पाव है, मलिर वाली रेट नीचे आए हैं, सिर्फ एक प्याज के रेट नीचे नहीं आ रहे। प्याज क्यों नहीं आ रही? वो बाहर जाना बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी रेट नीचे आ जाएगी। कहाँ जा रही है? कोलंबो जा रही है, बैंकॉक जा रही है, 4-5 जगह पे जा रही है। अच्छा, और ये रमजान में और अभी में कितना फर्क है? फर्क तो है, काफी नीचे आ गए रेट, काफी नीचे आ गए। ये मिर्च है कहाँ की? ये मलिर है, एक नंबर मलिर की, एक नंबर है। और ये टमाटर कहाँ के? सिंध और टंडो अल्लाह यार का आ रहा है। जगह का नाम बता दें जरा, क्या है ये? रणछोड़ लाइन, रणछोड़ लाइन गोश्त मार्केट, गोश्त मार्केट। ये रणछोड़ लाइन गोश्त मार्केट की व्यूज हैं, आपने देखे रहे यहाँ पे रेट क्या है। और ये मुख्तलिफ केचप्स वगैरह यहाँ पे दस्तियाब हैं। ये व्यूअर्स, आपके सामने एक वीडियो थी रणछोड़ लाइन की। आगे बढ़ते हैं मजीद, यहाँ पे देखें किस तरीके से लोग रहते हैं, किस किस्म के फ्लैट्स हैं, वो भी आपके सामने हैं। गोश्त सब्जी यहाँ पे सब कुछ दस्तयाब है, हर किस्म का। ये थी एक वॉकिंग टेल रणछोड़ लाइन के इलाके से जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। कैसी लगी? आलू ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स में आगाह करें वीडियो आपको कैसी लगी। और ये यहाँ पे सवैयाँ भी खुली हुई दस्तियाब हैं। क्या हाल है भाई जान? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। क्या नाम है सर आपका? महफूज अहमद। महफूज साहब, क्या बेच रहे हैं आप? सिवैयाँ बेच रहे हैं। ये कहाँ से बनी हुई बनती हैं? ये कराची में बनती हैं। कराची में कारखानों में? जी हाँ। क्या हिसाब है? ये 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो, बहुत महंगी हो गई है। जी हाँ। क्यों? ये आटे के ऊपर बात होती है। आटे की वजह से? आटा बिजली हाँ मैदे से बनती है। अच्छा, ये बारीक मोटी भी होती है? जी हाँ बारीक। तो बारीक क्या हिसाब है? दो सब एक ही दाम है, रेट सबका एक साथ। कौन सी मार्केट का नाम क्या है? ये रणछोड़ लाइन। रणछोड़ लाइन जी। टाइमिंग क्या है यहाँ पे? ये सुबह से लेके रात तक। सुबह से रात कब तक? रात 9 बजे तक। 9 बजे तक। लिया भाई, ये है सवैयाँ देखें आप, और भी दुकान है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है भाई जान? अस्सलाम वालेकुम। खाउसा, ये क्या हिसाब है? 300 रुपए किलो। और ये सवैयाँ भी 300 रुपए किलो है भाई, और ये वाली भी 300 रुपए। और ये क्या है? ये मोटी सवैया भुनी हुई, ये भी 300 रुपए। मोटी सवैया वो भी 300 रुपए। ये देखें मोटी सवैया 300 रुपए किलो है भाई यहाँ भी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।